I know if you think I look like sweet and swabby type. I am from the Dental Branch. एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि अभी जो मैं 5-7 मिनट बकवास करने जा रहा हूँ उसका लॉजिक से कोई संबंध नहीं है, लेकिन प्रॉपर वे में बकवास ही है। अगर लॉजिक लगाना ही होता तो 1 साल पहले लगाए होते जेल मिल में, तो शादी हाँ नहीं होता। केवल पापा की परियों के लिए, पापा की परियों, हाँ बोलो स्क्रिप्ट में, हाँ यार बढ़िया, हाँ बोलो ना, अरे स्क्रिप्ट में हाँ हाँ बोलो, बहुत बढ़िया, सही कह लिया। कैसा लग रहा हूँ आज मैं? आजकल आप लोग देख रहे हैं कि हमारे समाज में लड़कियों को कुछ ज्यादा ही तवज्जो दी जा रही है, ये ज्यादा ही क्या, बहुत ज्यादा दी जाती है। जहाँ देखो लिखा है बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी बचाओ, हम लड़के गंगा जी के बाढ़ में भाग कर आए हैं। खत्म नहीं होती है, फिर आता है बेटी पढ़ा, वो तो पढ़ लेंगी लेकिन उनके चक्कर में कॉलेज के 40 राउंड में फेल होंगे उनका क्या? लड़कियों को जन्म से ही बहुत ही लाड़ प्यार से पाला जाता है, माँ सुलाती है तो उनको लोहिया सुनाती है, राजकुमार आएंगे रानी बेटी के ले जाएंगे। लेकिन हम लोगों का क्या, ऐसे गर्दन पकड़ के बोलते सो जा नहीं तो कलवा भूत आ जाएगा। सोने से नहाने तदुन को नहवाते समय भी न जाने कौन कौन से ब्यूटी प्रोडक्ट इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हम लड़कों का क्या, गर्दन मुड़ कर इतना थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। 8th-9th में गलती से दो लड़के एक बेंच में बैठ कर बात कर लेते हैं, गलती से टीचर वहीं से चौक फेंक कर मारता है, बोलते पढ़ लो गधो फेल हो जाएंगे जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन अगर लड़कियां बात कर ले मास्टर जी का खुद का इंटरेस्ट जागृत हो जाता है, सही बोला, उन्होंने सुना है क्या बात हो रही थी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तगड़ा कराल, रिलेटेबल बोल। माता है लड़कियां को बहुत चीज हासिल की है, देश का नाम दुनिया में रोशन की है, उनको भी 50% का हक मिलना चाहिए, वो भी लड़कों से लड़कर कंधा मिला के चलना चाहती है। लेकिन वो कंधा घर में बैठ के सिलेंडर उठाते समय लड़कों का क्यों याद आता है? उनको भी उठाना चाहिए। लड़कियों ने देश का नाम दुनिया में बहुत ज्यादा रोशन किया है, जैसे कल्पना चावला, सुनीता विलियमसन, वो भी अंतरिक्ष में गई थी। बहुत बढ़िया, बोल 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 बोल। लेकिन उनका भी कोच एक पुरुष ही था, साबित होता है अगर लड़कियां अपना मुंह बंद करके चुपचाप लड़कों का बात सुने तो वो भी चंद्र पर जा सकती है। लेकिन खैर जो भी हो, लड़कियों का सम्मान करना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, दिल से। अब ये बात हमारे शास्त्र और संविधान दोनों में लिखा गया है, अब ये बात बताने हमें भगवान तो आएंगे नहीं, लेकिन भगवान रूप एक इंसान आता है खाकी वर्दी में।
गलत जगह टैटू नहीं रहता है। सम्मान करना है, आप लोग अपना देख लीजिए। आप लोग भी लड़के में सम्मान करेंगे ना? दिल से, दिल से। चलते हैं अपने कॉलेज की तरफ, फिर अपने कॉलेज की बात किया जाए। चल चल बोल। अच्छा, नॉर्मल इंसानों से होती है गलती, हम लोग नॉर्मल इंसान तो नहीं है, नहीं ना है? नहीं। हम लोग महामानव, हम लोग ने किया महागलती, इंजीनियरिंग चुने जिंदगी नहीं। बहुत बढ़िया, आगे बोल। आजकल अपने कॉलेज में देख रहे हैं 75% अटेंडेंस का लगभग कुछ ज्यादा ही चल रहा है। मतलब 75% दो वरना। बहुत बढ़िया, बोल। अनिल सर से मिले, तगड़ा था, तगड़ा था। ये बात सीधे इलेक्ट्रिकल वालों के लिए नहीं है, लेकिन कल से इन पर क्या गुजर रही है वही जानते हैं। लेकिन इससे एक बेनिफिट भी हुआ, फिर जिस क्लास में 10 लड़के आते थे उस क्लास का 100% आ रहे हैं सिविल मैकेनिकल में। लेकिन इस चक्कर में हम लोग की केमिस्ट्री तो ठीक हो गई सर से, लेकिन मेरी केमिस्ट्री का क्या? उसका क्या होगा? अगर मेरी केमिस्ट्री बन जाए 70% क्या, हम 110% पढ़ने को मन करता है लाइब्रेरी में। आगे बोल। अच्छा, इंजीनियरिंग कॉलेज की बात बहुत अच्छी है क्या जानते हैं? बोल बताइए। यहाँ दो दोस्त भाई से कब साढ़ू भाई बन जाते हैं। बहुत बढ़िया। तू मेक मी और साढ़ू भाई। चल चल बोल आगे। आगे बोल। मेडिकल वाले हैं, कुछ गलत थोड़े करेंगे। एनीबॉडी इंटरेस्टेड? बेटो, मैं बहुत एक्सपेक्टेशन वाला लड़का हूँ, हमको मालूम है। चार कॉलेज में कोई अच्छी लड़की दिखी नहीं, फ्यूचर वाइज समझ लेता हूँ। भाई भाभी मिल गई। बहुत बढ़िया। बताने के बाद पता चला कि वो तो खुद वो मेरी भाभी बनाने में तैयारी में था। बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या, दोनों दोस्तों के बीच हुई मार और हम लोग के मार के चक्कर में सीनियर हुए हमारे फ्यूचर भाई के। मैं बहुत एक्सपेक्टेशन वाला लड़का हूँ, कॉलेज में जहाँ कोई अच्छी लड़की दिखी नहीं फ्यूचर वाइफ समझ लेता हूँ। और दोस्त को जाकर बताया भाई भाभी मिल गई। नाम बताने के बाद पता चला वो तो मेरी भाभी बनाने की तैयारी में था। बोल। लेकिन फिर क्या, दोनों दोस्तों के बीच हुई बात लड़की को लेकर, फ्यूचर वाइफ को लेकर, लेकिन इसी बीच हमारे सीनियर हुए फ्यूचर वाइफ को लेकर फरार। थैंक यू एवरीवन।